Hello student, myself Abhishek Gangwar. Today we learn how to add. तो हमारे topic का name आज क्या है? Addition. क्या है? Addition. आज हम क्या करेंगे? Add करना सीखेंगे. जैसे हमारा इसमें कितना है? 3 pictures हैं. कितनी pictures हैं? 3 pictures हैं. तो हम इनको count कर लेंगे. 1, 2, 3. कितना? 3. तो 3 के नीचे कितना लिख दिया? 3. और उसके आगे next picture में देखेंगे कितनी बहन बनी हुई है? 2. तो 3, 2 के नीचे 2 लिख देंगे और 3 के नीचे 3. और नेक्स्ट पिक्चर में कितनी हैन बनी हुई है? 1, 2, 3, 4 और 5. तो कितना लिख देंगे? 5. यानी हमें 3 hens, हमारे पास 3 hens और 2 hens हैं. तो ऐड करके हम लिख लेंगे उनको, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. इसी तरीके से नेक्स्ट है काउंट एंड राइट हाउ मैनी देयर आर. काउंट करना है और हमें लिखना है कि यहाँ पर कितनी पिक्चर्स हैं या कितनी चीज़ें हैं. तो आगे देखेंगे इसमें क्या बनी हुई है? स्ट्रॉबेरी बनी हुई है. क्या बनी हुई है? स्ट्रॉबेरी. तो इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3. तो 3 के नीचे कितना लिखेंगे? 3 लिख देंगे. और नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे इसमें कितनी है? 1, 2, 3. तो 3 के नीचे 3. अब 3 और 3 को ऐड करना है तो काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. यानी कितना है? नेक्स्ट में कितनी आ जाएंगी? 6 पिक्चर हैं. कितनी है? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 के नीचे 6. यानी 3 के नीचे तो 3 आ गया और नेक्स्ट 3 के नीचे 3. 3 और 3 ऐड करके कितना आ गया? 6 आ गया. इसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे क्या है हमारे पास? मैंगोज़ हैं. क्या हैं? मैंगोज़. तो फर्स्ट पिक्चर में मैंगोज़ देखेंगे कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5. तो 5 के नीचे कितना लिख दिया? 5. एंड दूसरी पिक्चर में कितने हैं? 1, 2. तो 2 के नीचे 2. तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? ऐड काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. तो नेक्स्ट पिक्चर में कितने होने चाहिए? 7. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7. यानी 5 को 2 में ऐड करा तो कितना हो गया? 7 हो गया. एक बार दोबारा देखेंगे हमारे पास क्या था. फर्स्ट पिक्चर में कितनी हैंस हैं? 3 hens हैं. तो 1, 2, 3. तो 3 के नीचे कितना लिखेंगे? 3. पहली पिक्चर के नीचे 3. सेकंड पिक्चर के हमारे कितने हैंस हैं? 1, 2. तो 2 hens हैं तो क्या लिख देंगे? 2. तो 3 और 2 ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारा? 5 आएगा. कितना आएगा? 5. इसी तरीके से कुछ नीचे दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, इसमें गिनेंगे कितने हैं ये. काउंट करेंगे 1, 2, 3. यानी 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए. कितना हो गया? 6 हो गया. इसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5. कितने मैंगोज़ हैं? 5. तो कितना लिख देंगे उसके नीचे? 5. इसी तरीके से कितना है नेक्स्ट पिक्चर में कितने मैंगोज़ हैं? 1, 2. तो कितना? 2. 5 और 2 को ऐड करके कितना आएगा हमारे पास? 7. कितना आएगा? 7. इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें कितने कैप्स हैं? 1, 2. कितने हैं? 2. और उसके बाद दूसरी पिक्चर में 1, 2, 3. उससे अगली वाली में 1, 2, 3, 4 और 5. यानी 2, 3 और 5 हमारा कितना होगा? कितना होगा? तो 2, 3 यानी 2 और 3 को ऐड करा हमने. 2 और 3 को ऐड करने के बाद ही तो 5 आएगा. तो हमने क्या लिखा? 2 के नीचे लिख दिया 2, 3 के नीचे 3. उसके बाद हमने थर्ड वाली पिक्चर में हमने काउंट करी, यानी इनका और इनका एडिशन यहाँ पर आएगा. तो कितनी पिक्चर्स हैं इसमें? 1, 2, 3, 4 और 5. तो कितनी हो गई? 5. यानी 2 और 3 को ऐड करके कितना आया? 5. ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कितनी इरेजर है यहाँ पे. 2 इरेजर है, 1 और 2. तो 2 के नीचे 2 वाले के नीचे 2 लिखेंगे. ऐसे ही इसमें कितना है? 1. तो 1 इरेजर है, तो 1 वाले पिक्चर के नीचे बॉक्स जो बना हुआ है इसमें क्या लिख देंगे? 1. तो 1, 2 और 1 काउंट कर लेंगे 1, 2, 3. तो कितनी इरेजर है बाद वाले में? 1, 2, 3. यानी इस वाली जो इक्वल के नीचे जो बॉक्स बना है इक्वल के आगे वहाँ हमें कितना लिखना है? 3. कितना लिखना है? 3. यानी हम
क्या कर रहे हैं, एडिशन करना सीख रहे हैं पिक्चर की हेल्प से, कि हम पिक्चर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो हमारे पास कितने पेन्स हैं, 5 पेन्स हैं, तो 5 और 2 हमारे फ्रेंड ने हमें दे दिए, तो 5 और 2 कितने हो गए, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 1 2 यानी 5 के बाद कितना है, 6 और 7 यानी 5 6 7 कितना हो गया, टोटल 7 हो गया, 5 में 2 ऐड करने के बाद हमारा कितना है, 7। ये तो रहा हमारा अलग से एग्जांपल। अब हम आगे देखते हैं इसी में, यहाँ पे कितने एलिफेंट टॉय बने हुए हैं, एलिफेंट टॉय है ये, कितने बने हुए हैं फर्स्ट पिक्चर में, 1 2 3 और बाद वाली में कितने हैं, 1, यानी हमें 3 और 1 को ऐड करना है, तो 3 के नीचे 3 और 1 के नीचे 1 यानी हमें 3 और 1 को ऐड करना है, तो 1 2 3 4 काउंट कर लिया हमने, तो क्या कितना लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। और पिक्चर्स भी 4 हैं हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 यानी 4 पिक्चर्स भी हैं, और जो बॉक्स दे रखे हैं उनमें हमें इनकी नंबर लिखकर उनको ऐड कर देना है, ऐसे यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 1 आया, 1 और 3 ऐड कर कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4। इसी तरीके से आगे देखेंगे ये क्या बना हुआ है हमारा, फुटबॉल्स बनी हुई हैं, क्या बनी हुई हैं, फुटबॉल्स। इसमें क्या है, हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने इसके नीचे क्या लिख दिया, 8, क्या लिख दिया, 8। इसी तरीके से हमने क्या किया, नेक्स्ट वाले में काउंट करा तो 1 2 यानी इसमें कितना लिख दिया, 2, तो 8 और 2 को ऐड करेंगे तो सारी पिक्चर्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यानी हमारी बात वाली में कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के नीचे कितना लिख देंगे, 10, यानी 8 और 2 को ऐड कर कर कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा, 10। इसी तरीके से हमारा ये एग्जांपल है लास्ट, ठीक है। इसमें क्या बने हुए, फ्रॉग बने हुए हैं, क्या फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक, तो मेढक कितने हैं, इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 कितने हैं, 3, तो हमने 3 के नीचे बॉक्स में कितना लिख दिया है, 3 लिख दिया है। ऐसे ही बाद वाले में हमारे पास कितनी पिक्चर्स हैं, 1 2 3 4, तो कितने पिक्चर्स हैं मेढक के, यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, तो हमने कितनी लिख दी, 4, ठीक है, तो हमें 3 और 4 को ऐड करना है, तो सारी पिक्चर्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितनी आनी चाहिए, 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 7, कितना आना चाहिए, 7, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 7, और हमारी पिक्चर भी 7 होनी चाहिए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारी पिक्चर भी 7 आ गई, तो क्या हो गया, ये हमारा 7 हो गया। तो हमने पिक्चर्स की हेल्प से ऐड करना क्या करा, हमने ऐड करना सीखा आज, ठीक है। इसी तरीके से कुछ सम्स हैं जिनको हमें क्या करना है, ऐड करके देखना है, क्या करना है, हमें ऐड कर देखना है, जैसे कि 8 है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 8 है और यहाँ क्या है, 1, तो 8 और 1 को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम फिंगर से काउंट कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितनी लाइन है, पहले कितने नंबर है, 8 है, तो 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में हमें कितना ऐड करना है, 1, तो 1 लाइन 1 और ड्रॉ कर लेंगे, बाद में सारों को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ जाएगा, 9, यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे, कितना, 9, ठीक है। नेक्स्ट 7 में हमें क्या करना है, 0 ऐड करना है, तो क्या 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में हमें क्या ऐड करना है, 0, यानी 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो उसको काउंट कर लेंगे, 0 तो कुछ होता ही नहीं है ना, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो उसके बाद हम इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 में 0 ऐड करा तो कितना आया, 7 ही आया, यानी किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है, 7 ही, मतलब जो नंबर ऐड करेंगे वही नंबर आएगा, 0 में कोई नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा, क्या आएगा, वही नंबर। इसी तरीके नेक्स्ट देखते हैं 6 में क्या ऐड करना है, हमें 3 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 6 लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 में कितना ऐड करना है, 3, तो 1 2 3, अब सारों को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया, 9 आ गया, कितना आ गया, 9, तो 9 लिख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट
नेक्स्ट में देखेंगे कितनी है, फोर में फोर ऐड करना है, तो पहले कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, फोर, वन टू थ्री फोर, और उसके बाद कितना ऐड करना है, फोर, तो फोर लाइन और ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर। अब सारों काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो फोर और फोर कितना हो गया, एट, कितना हो गया, एट। इसी तरीके से थ्री और टू को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, वन टू थ्री, फिर कितनी लाइन ड्रॉ करनी है हमें, टू ऐड करना है तो टू लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वन टू, और सबको काउंट कर लेंगे फिर, वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या लिख देंगे, फाइव, कितना आ जाएगा हमारा, फाइव आ जाएगा। इसी तरीके से हमें कितना ऐड करना है, अब थ्री और फाइव को ऐड करना है, तो थ्री और फाइव को ऐड करने के लिए पहले थ्री लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री, अब थ्री में कितना ऐड करना है, फाइव, तो फाइव लाइन और ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, अब सबको काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितना आ गया, एट आ गया, कितना आ गया, एट। इसी तरीके से नेक्स्ट फिर से हमारा वही सवाल है, सेवन में ज़ीरो जब हमने ऐड किया था पहले तो कितना आया था हमारा, सेवन आया था, यानी किसी भी नंबर में हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर आया था, तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली सेवन लिख देंगे। इसी तरीके से हमें वन और टू को ऐड करना है, तो वन में कितना ऐड करना है, तो वन लाइन ड्रॉ करी, और कितनी लाइन, कितना ऐड करना है, टू, तो टू लाइन और ड्रॉ कर ली, कितने हो गया, वन टू थ्री, कितना हो गया, थ्री। इसी तरीके से नेक्स्ट फोर प्लस फाइव, फोर प्लस फाइव करना है तो वन टू थ्री फोर, ठीक है, कितना ऐड करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, सबको काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितना आ गया, नाइन आ गया। इसी तरीके नेक्स्ट में कितना है, फाइव, तो फाइव लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले कितना है, फाइव है ना, तो पहले फाइव लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद वन, तो बाद में काउंट कर लेंगे उनको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना आ गया, सिक्स आ गया। इसी तरीके से सेवन में क्या करना है हमें, वन ऐड करना है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन में कितना ऐड करना है, वन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितना आ गया, एट आ गया, ठीक है। इसमें कुछ सम्स दे रखे हैं, हम इनको भी ऐड करना आज सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट सवाल में क्या दे रखा है, ठीक है, फाइव और थ्री को ऐड करना है, फाइव और थ्री को ऐड करना है, तो फाइव लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर और फाइव, और नीचे कितनी है, थ्री, तो वन टू थ्री, सारों को काउंट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, एट लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से आगे थ्री में कितना ऐड करना है, फोर, तो कितना लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फोर, थ्री, वन टू थ्री, और कितने बाद में कितना ऐड करना है, फोर, तो वन टू थ्री फोर, सारों काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितना आ गया, सेवन, कितना आ गया, सेवन। इसी तरीके से कितनी लाइन, कितने हमें ऐड करना है, फाइव में थ्री, तो पहले फाइव लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने ऐड करना है इसमें, थ्री, तो वन टू थ्री, सारों काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितना आ जाएगा, एट, कितना आ जाएगा, एट। इसी तरीके से नेक्स्ट है सेकंड, थ्री में कितना ऐड करना है, फोर, तो वन टू थ्री, ठीक है, कितना ऐड करना है, फोर, तो वन टू थ्री फोर, तो वन, फिर काउंट कर लेंगे इनको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितना आ गया, सेवन, कितना आ गया, सेवन। इसी तरीके से फाइव में क्या ऐड करना है, थ्री, फाइव में क्या ऐड करना है, थ्री, तो वन टू थ्री फोर फाइव, कितना ऐड करना है, थ्री, तो वन टू थ्री, सबको काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितना आ गया, एट, कितना आ गया, एट। इसी तरीके से नेक्स्ट में फाइव में कितना ऐड करना है, फोर, कितना, फोर, तो वन टू थ्री फोर फाइव, और बाद में कितना है हमारा, फोर है, तो वन टू थ्री फोर, तो बाद में काउंट कर लेंगे तो हमारा नाइन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नाइन। इसी तरीके से नेक्स्ट में थ्री में सेवन फोर ऐड करेंगे, तो हम लाइन से, अब तक हम कैसे कर रहे थे, लाइन ड्रॉ करके सीख रहे थे, अब हम फिंगर ऐड करके, फिंगर पे जो हमारे जो ये बने हुए होते हैं, निशान बने हुए होते हैं, इनसे भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे वन टू थ्री, कितना, थ्री हो गया, अब हमें कहाँ है, कितना ऐड करना है, फोर, तो वन टू थ्री फोर, ठीक है, फोर ऐड कर लिया, अब इसको
बैक में इसको काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितना आ गया हमारा 7 आ गया, कितना आ गया 7। इसी तरीके से 5 को तो 1 2 3 4 5 कितना ऐड करना है 3, तो 1 2 3। अब इसको उल्टा करके उल्टी तरफ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया हमारा 8 आ गया, कितना आ गया 8। इसी तरीके से 7 और 10, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना ऐड करना है हमें 3, तो 1 2 3, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया हमारा 10 आ गया, कितना आ गया 10। इसी तरीके से हमें 2 में कितना ऐड करना है 3, तो 1 2 2 में कितना ऐड करना है 3, तो 3, तो 1 2 3, तो इसको उल्टी तरफ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया हमारा 5 आ गया। इसी तरीके से 3 और 4, तो 1 2 3 3 में कितना ऐड करना है 4, तो 1 2 3 4, उल्टी तरफ से इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया 7। इसी तरीके से 8 में कितना ऐड करना है 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कितना ऐड करना है 5, तो 1 2 3 4 और 5, इसको उल्टी तरफ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो हम दो तरीके से नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, या तो लाइंस ड्रॉ करके काउंट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फिंगर से भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।